यार मैं सुभा से लखनऊ मिस कर रहा हूँ। शव हाँ। शव और ताबूत, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 प्लेयर लखनऊ ने रख लिए हैं। फर्स्ट रिमेनिंग 14.8 करोड़ है। सबसे बड़ी बात, इन्होंने जो प्लेयर्स खरीदे हैं, ऋषभ पंत 27 करोड़ रुपए में, ठीक है। डेविड मिलर इन्होंने लिया है 7.5 करोड़ में, मार्करम लिया है 2 करोड़ में, मिचेल मार्श वेरी गुड 3.4 करोड़ में, आवेश खान आल्सो नॉट बैड इन 9.75 करोड़, अब्दुल समद ये मुझे समझ नहीं आई 4.2 करोड़ में, इनके पास वैसे ही थे डायनामाइट बैटर्स हैं, और आर्यन जोआल भी, और इनके पास पहले से थे निकोलस पूरब, रवि बिश्नोई, मयंक यादव, आयुष बदोनी और मोहसिन खान। इनकी टीम बनाते चलिए, ओपनर्स बताइए अभी के लिए तो मार्करम ही रखेंगे आप? नहीं ओपनर और कौन? मार्श, मार्श और माकरम ही रखेंगे इस लाइनअप अभी के लिए मेरे हिसाब से। ना निकोलस पूरन को भी रख सकती हूँ। आप अभी के लिए मेरे हिसाब से बदोनी से करवा ले। बदोनी कहाँ से ओपन करेगा यार वो? अबे माकरम को हटाओ भाई, माकरम ओपनर भी है इसीलिए रखा है, घंटे का ओपनर है वो। अरे अभी लिया है, बदोनी ओपनर नहीं है, बदोनी ओपनर नहीं है, बदोनी अभी के लिए मार्श और माकरम थर्ड नंबर के लिए ठीक है। मार्श और माकरम यहीं पे हार गए मैच अभी नहीं लिया, अभी तो यार ठीक है ना, बन रही है ना। नहीं नंबर ऋषभ, तीन नंबर ऋषभ, चार पूरन, पूरन आएगा, पांच मिलर, एक ऑफ स्पिनर मिल जाए इनकी टीम खत्म है। रुक जाओ, पांच मिलर, छह छह आयुष बदोनी, बदोनी सात अब्दुल समद, सात समद, समद आठ, आठ बिश्नोई, बिश्नोई को रखे हैं बाप, इसके पे तो बॉलर भी आते हैं। मोहसिन, रुको बिश्नोई आठ, मोहसिन नौ, मयंक यादव दस, और आवेश खान ग्यारह, आवेश खान ग्यारह दस, और आवेश ग्यारह, इनको भी और काम करना है अभी। छह नंबर है भाई, आपको लेना पड़ेगा और बेहतर। मार्करम, मार्करम, मिचेल मार्श, ऋषभ पंत, निकोलस पूरन, मिलर, बदोनी, समद, बिश्नोई, मोहसिन, मयंक और आवेश। अगर मैं बोलिंग ऑप्शन देखूं, आवेश खान, मयंक यादव, मोहसिन खान, रवि बिश्नोई, ये चार ऑप्शन है बोलिंग के। मिचेल मार्श और पांचवा ऑप्शन आपका मिचेल मार्श है, मार्करम है, और ये बस समझ भी डालता थोड़े बहुत करता है, लेकिन मिचेल मार्श और मार्करम से आयुष बदोनी पांचवा ऑप्शन, मतलब पांच प्रॉपर बोलर नहीं है अभी, नहीं हुआ है करना। मार्श आपका पांचवा बोलर है, मार्करम को लेना पड़ेगा। और बैटिंग में देखूं तो मार्करम, मार्श दो, ऋषभ तीन, पूरन चार, मिलर पांच, बदोनी छह, और समद कच्चा पक्का सात, यही है ना। मैं तो इम्प्रेस नहीं अभी, और इनको काम करना पड़ेगा, इनको ओपनर लेना है। और 14.8 करोड़, वही है ना, ऋषभ पंत इतना महंगा खरीद लिया 27 करोड़ में कि और कुछ मिला ही नहीं है। देखो ना, एक सीधा 27 करोड़ का प्लेयर है, उसके बाद आधे से भी कम का आवेश खान है 9.75, उसके बाद 7.5, बाकी सब कोई 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 30 लाख ऐसे चलते हैं। मैं इनको ओपनर चाहिए दूसरा कोई एक, और मैं इस टीम को 6 out of 10 देता हूँ, नीचे ही जाएगा 6 out of 10, मैं छह नंबर दूंगा। देखो काफी काम करना है अभी, देखो ओपनिंग दोनों ही मेरे, चलो मार्च ठीक है, मार्च ठीक है, मार्करम आप उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, चार नंबर मैं प्लेइंग 11 में रखूं, जैसे उसकी अभी हाल फिलहाल की फॉर्म है भाई, मार्करम को ना रखने का मतलब ही मतलब ही नहीं बनता है। प्लस अगर आप देख लें 5, 6, 7 तीनों इनके, या 4, 5, 6 देख लें, सारे लेफ्टी हैं, एक ऑफ स्पिनर मिल गया इनको खा जाएगा, अब इनको कुछ देखना पड़ेगा वहां पर। इनके पास स्पिनर एक है बिश्नोई, इनके पास जो पेसर्स हैं उसमें मोहसिन और मयंक यादव तो वैसे इंजर्ड रहते हैं, आवेश खान पिटता रहता है, तो ज्यादा भरोसा नहीं दे रहे इनके पेसर्स भी। हालांकि ऑन पेपर इनके पेसर्स अच्छे हैं, मोहसिन खान बढ़िया है, मयंक यादव बढ़िया है, आवेश भी चलो ठीक है, लेकिन फिटनेस थ्रेटनिंग है, मयंक यादव मोहसिन थ्रेटनिंग है, अगर ऑल सॉन्ग हो तब, मतलब इन द सेंस अगर फिट हो, फिट हो पूरी तरीके से हो, अभी तो सवाल है ना, एक आध पेसर और रवि बिश्नोई भी अच्छा है, रवि बिश्नोई के पास पांच प्रॉपर बॉलर भी नहीं है, वही बात है ना, सात नंबर तक बैटिंग भी ढंग की नहीं है, छह पे बदोनी, सात पे समद, जिताने वाले प्लेयर नहीं है। मेरे को सिर्फ अपना एक ओपनर सॉर्ट करवाना है सबसे ज्यादा यहाँ पे, उसके बाद आई नीड टू फिक्स। और इन्होंने स्टॉइनिस को छोड़ के मिलर को लिया, मिलर का इस समय पे फॉर्म कैसा लगा? चलो मिलर ठीक है फिर भी कर लेंगे, स्टॉइनिस ऑलराउंडर भी था ना, इन्होंने एक्चुअली स्टॉइनिस को छोड़ के मार्श, मार्श या मार्श की बॉलिंग की बात करते हैं तो फिर केएल राहुल, मार्श की बॉलिंग मुझे स्टॉइनिस से तो बेहतर ही लगती है। नहीं लेकिन केएल की टीम, उनकी टीम फिर भी केएल राहुल पे डिपेंडेंट नहीं रहेगी, डीसी की जो 11 हमने देखी, आप देखो ऋषभ पंत और पूरन पे बहुत है ये टीम। एक पंत और पूरन, इसके अलावा मिलर
ठीक है अभी फॉर्म नहीं, आयुष बधोनी और नीचे एक्सपीरियंस कितना कुछ नहीं है अभी। एक रवि बिश्नोई, मोहसिन खान, मयंक यादव, आवेश खान को आपने कहा एक मशीन है, ये तीनों पांचवा बॉलर कौन है आपने? मिलर के बाद आपकी बैटिंग, आप चलो मिलर के बाद अपनी बैटिंग देख लो, बॉलर भी छोड़ यार तू, मिलर के बाद बैटिंग देख ले, पांच के बाद बधोनी सर। आप एक बात है इस पूरी बैटिंग लाइनअप में ऋषभ पंत, निकोलस पूरन, इसके अलावा किसी पे भरोसा है? बस बस यही दो नाम, वही तो मैं कह रहा हूँ, दो नाम मार्श पे थोड़ा बहुत हो सकता है, मिलर पे थोड़ा बहुत कच्चा पक्का ही ना। मैं इस टीम को 6 दूंगा 10 में से, अभी तो ढंग से बनी नहीं है, अभी और 22 करोड़ बहुत ज्यादा दिए पंत के लिए, बहुत चलो दे भी दिए, लेकिन वो फिर उसके बाद ठीक है। आप कितने नंबर देते हैं? बाकी लोग मैं 6, जनता ने जनार्दन भी 6 टाइप ही दे रही है, आप लोग 5-6, मैं 6 ही रख रहा हूँ। एलएसजी के 6 नंबर, मोस्ट एक्सपेंसिव बाय इन द हिस्ट्री ऑफ द आईपीएल ऋषभ पंत, लेकिन अभी काम करना है। रिमेनिंग पर्स कितना है जी इनका? 14 करोड़ रिमेनिंग पर्स में, इनको कुछ मिरेकल करना पड़ेगा, इनको 14 करोड़ 85 लाख है, कुछ मिरेकल करना पड़ेगा। बढ़िया पेसर भी खरीदने, पेसर तो नहीं चलो खैर, बढ़िया ऑलराउंडर टाइप ओपनर खरीदने, मिडिल ऑर्डर का भी कुछ चाहिए। कृणाल का बैकअप कौन होगा? कृणाल का रिप्लेसमेंट कौन होगा? जो बिश्नोई जो बिश्नोई के साथ बॉलिंग कराता था वो भी तो चाहिए, अभी नहीं है, तो ये भी तो देखना पड़ेगा। स्पिनर भी चाहिए, स्पिनर है ही नहीं अभी, अभी स्पिनर इनका सेकंड स्पिनर मार्करम है, अभी काफी काम करना है। आई थिंक इनके स्पिनर है मार्करम और अब्दुल समद, सिर्फ सिर्फ जो है वो ऋषभ को सोच के आए थे 27-28 करोड़ ऋषभ पे खर्च कर देंगे, उसके अलावा आई थिंक ज्यादा काम करना है। चलिए एलएसजी को हमने दिया 6 में 10 में से 6, आगे आ जाइए।